हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंकित सेरेफिक डेंटिस्ट्री से। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद में डेंटल कैप क्यों लगाएं, आरसीटी किए हुए दांत के ऊपर कैप लगाना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हम तब करते हैं जब किसी दांत के अंदर इन्फेक्शन होता है। तो हम रूट कैनाल में क्या करते हैं, इन्फेक्टेड पार्ट उस दांत का हटाते हैं। हम दांत को ऊपर से नीचे तक, मतलब कि क्राउन पोर्शन जो हमें गम्स के बाहर दिख रहा है वो, और उसके अंदर जो उसकी जड़ है, रूट पोर्शन जो गम्स के अंदर है जो हमें दिख नहीं रही, ऊपर से नीचे तक इन दोनों को ही, क्राउन और रूट को, पूरे दांत को क्लीन करते हैं। क्लीन करके उसमें हम एक फिलिंग मटेरियल भर देते हैं जो हमेशा वहाँ पर पड़ा रहेगा। तो ऐसा करने में दोस्तों हमें दांत के अंदर ड्रिल करना पड़ता है। ड्रिल करेंगे तभी दांत को अंदर से साफ करेंगे। डरिएगा नहीं, ड्रिल करते हैं सुन करके, दांत को सुन करके पूरी तरह से नम हो जाता है, उसमें कोई दर्द नहीं होता। उसके बाद उस दांत को हम अंदर ड्रिल करके सारा इन्फेक्टेड पार्ट हटाते हैं और उसमें फिर फिलिंग मटेरियल भरते हैं। तो जब हम ये इन्फेक्टेड पार्ट दांत का हटाते हैं, दांत के अंदर ड्रिल करते हैं, तो वो दांत की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी मजबूती है, वो अब पहले जितनी नहीं बचती। The strength of tooth is now compromised. It is not as what it was before doing the root canal treatment or before the tooth was decayed. वो hardness, strength अब उसकी compromise हो जाती है। तो अब वो दांत हमारा कोई कड़क चीज़ खाने पे टूट सकता है। It is now susceptible to breakage on hard biting, on biting any hard food stuff. इसलिए हम उसके ऊपर डेंटल कैप सजेस्ट करते हैं। अब अगर इसके ऊपर कैप लग जाएगी तो ये दांत हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। ये कैप अब रूट कैनाल किए हुए दांत के ऊपर एक हेलमेट की तरह रहेगी जो जिंदगी भर उस दांत को बचा के रखेगी। आप उसके बाद में इससे कुछ भी खाएं, एनीथिंग यू वॉन्ट टू ईट यू कैन ईट आफ्टर पुटिंग अ कैप ओवर द रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ। तो ये कैप जो रहती है रूट कैनाल किए हुए दांत को बचाने के लिए होती है। जो उसकी स्ट्रेंथ पहले से कम हो गई है उसको ओवरकम, उस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर हम उसके ऊपर एक कैप कंपल्सरीली सजेस्ट करते हैं। तो क्या दोस्तों, रूट कैनाल करने से दांत, अगर मैं कह रहा हूँ कि कमज़ोर हो गया है, पहले जितना मजबूत नहीं रहा है, तो क्यों, क्या रूट कैनाल ना कराएं फिर, दांत तो हमारा कमज़ोर हो गया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो हमें कराना ही पड़ेगा अगर हम उस दांत का डिकेड पार्ट हटाना चाहते हैं और उस दांत का इन्फेक्शन खत्म करना चाहते हैं। इट इज़ एनी टाइम मोर वाइज टू गेट अ रूट कैनाल डन, इन्फेक्शन हटाने के लिए और उस दांत को बचाने के लिए, और उस दांत की जो स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हुई है उसके लिए उसके ऊपर एक कैप लगा लें। तो आप एक अच्छी कैप लगाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि कोई कैप वहाँ पर लगी है, आपका दांत नॉर्मल च्यूइंग में फंक्शन में रहेगा और सालों साल वो आपका साथ देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया कि रूट कैनाल किए हुए दांत के ऊपर कैप लगाना क्यों सजेस्ट किया जाता है। तो इससे जुड़े और भी कोई सवाल आपके मन में हो तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या फिर अपना कमेंट यहाँ पर लिख छोड़ें, जिसका कि जवाब हम आपको देंगे। थैंक यू।